गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज चलिए खाने के बाद कुछ मीठा हो जाता है, तो चलिए हो जाता है मिक्स फ्रूट शेक बनाते हैं। बहुत टेस्टी बना था, बहुत 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 टेस्टी बना था, बहुत यमी बना था। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी और देखिए, देखने में जितना टेस्टी था उतना देखने में भी खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये है हमारे पास सामग्री, 2 कटे हुए आम, 3 केले हैं हमारे पास। आपके पास जो भी फ्रूट बने पड़े हों, जो शेक जिनका शेक बन सकता है, आप उसको आराम से मिक्स करके सभी फलों का आप शेक बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 3 केले और 2 कटे हुए आम। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जार, जार में डाल दिया मैंगो, 2 मैंगो हैं, पूरे के पूरे डाल देंगे इसमें। ये देखिए, इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें केले। ये देखिए, तो हमने पूरे मैंगो और आम, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी शुगर मिला लिया है क्योंकि केला और मैंगो दोनों ही मीठे होते हैं। ये देखिए, तो इसको कर लेते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने हल्का सा किया, इसके बाद मैंने पूरा 1 कप भर के बिग साइज़ का मग में, मैंने भर के मग डाल दिया है दूध फुल क्रीम। इसके बाद फिर से करते हैं इसको ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना प्यारा कलर आएगा इसमें। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है। आप बच्चों को झटपट भी बन जाता है और खट से बना के दीजिए कोई भी खाने के बाद, अगर आप इस टाइप से 1 गिलास अगर शेक मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, तो जब तक कर लेती हूँ मैं, गिलासों में पोर कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी करती हूँ पोर। इसके बाद कर लेते हैं इसकी गार्निशिंग, तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, झटपट का काम है, बस 5-6 मिनट का काम हो जाता है और बहुत मज़ा आता है, झटपट बनता है और मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ पर ऐड कर लेंगे थोड़ी सी आइस, जिसको मैंने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद सभी में डाल देंगे। गर्मियाँ इतनी पड़ रही, तो थोड़ी थोड़ी तो आइस चलती है, बहुत नहीं तो थोड़ी तो तब भी डालेंगे जिसमें चिल हो जाए। वैसे फ्रिज में रखे हुए थे आम और केले, तो चिल ठंडे थे, लेकिन थोड़ी सी आइस डालने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं इसमें डाल लूँगी। इसके बाद ऐड कर लूँगी टूटी फ्रूटी, ये वही टूटी फ्रूटी है जिसको मैंने खुद बनाया हुआ था, मेरे हाथों की बनी हुई टूटी फ्रूटी। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट की नहीं है, इसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था। मैंने इसका वीडियो भी डाला था, अगर आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या कुछ और नया चाहिए तो ज़रूर बोला करिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके बाद डाल दूँगी मैं पिस्ता, और भी इसको एनर्जेटिक बना दूँगी, और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, हेल्दी टेस्टी और बहुत मज़ेदार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको शेयर किया करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करिए। तो बन गया मेरा मिक्स फ्रूट शेक, बन गया बहुत यमी टेस्टी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब